महाराष्ट्रातील नंबर वन टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा। मेळघाट शेतकरी आसमानी आणि सुलतानी ह्या दुष्काळामध्ये नेहमी संकटात दिसत, परंतु जंगल भागात असलेली काही शेतकऱ्यांच्या शेतात जंगली डुक्कर आपला रोष निर्माण करून मक्याचे पीक नष्ट करत आहे। जरी वनविभागातील त्यांच्या प्राण्यांना कोणत्याही प्रकारची हानी पोहोचवली की ते तुरंत कारवाई करून ताबडतोब जंगल क्षेत्रातील मानवजातीवर कारवाई करण्यास सुरुवात करतो, परंतु आज जंगल भागातील बारादांडा, रेल्वे धुळघाट, डापका, सुसरदा, सावळी खेडा, जामपाणी सारख्या ग्रामस्थांचे शेतकरी सध्या त्यांच्या शेतातील मक्याचे पीक नष्ट झाल्याची चिंतेत दिसत आहे। दररोज शेकडो जंगली डुक्कर मक्याच्या पिकांवर हल्ला करून मका नष्ट करत आहेत। या नुकसानाची भरपाई शेतकऱ्यांना शासनाने द्यावी अशी मागणी होत आहे। रवी सुभाष वर्मा। तो तुमने मक्का कितना बोया था? मक्का पूरा 4 एकर में है, उसमें से 2 एकर का नुकसान हुआ। तो नुकसान किसने किया है? डुक्करों ने किया। खेत में तुमने किसी फॉरेस्ट वाले को किसी फॉरेस्ट वाले डिप्टी को बताया था? मैंने अर्जी भी डाला था और अर्जी दिया तो बोलते कागज पत्र और ज्यादा लगेंगे, सबमिट नहीं हो पाएंगे। हाँ, और कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं कि भाई तुम इसका मुआवजा मिलेगा, कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। उलट मेरे को बोल रहे कि भाई कागज जमा करो तुम और इसमें और भी डॉक्यूमेंट लगेगा बोले। तो नुकसान कितने एकड़ का हो गया? 2 एकर का हो गया। ओके, बस मक्का ही बोया, बाकी तुम्हारे को पूरा नुकसान हो गया? पूरा है ना? पूरा नुकसान हो गया मक्के का, और गरीब इंसान में कहाँ जाएंगे ये। ठीक है, तुम क्या करने वाला? प्रशासन ने तुम्हारे लिए कुछ आपको कोई व्यवस्था होना चाहिए। आवाज टीवी न्यूज साठी रशीद खान, मेघाट।